देखिए दोस्तों, ये ऑर्बिटल है, इसको ऑर्बिटल बोलते हैं। ये जेसीबी का ऑर्बिटल, जो कि इससे स्टेरिंग जो काटते हैं ना, स्टेरिंग चक्का जो मूव होता है लेफ्ट राइट, ये इसी की वजह से होता है। इसको पावर स्टेरिंग पंप भी बहुत आदमी बोलते हैं, पावर स्टेरिंग बोलते हैं। और एक्चुअली इसका नाम ऑर्बिटल है। आज मैं इसका डिसमेंटल करके आपको दिखाऊंगा कैसे इसको डिसमेंटल करते हो, इसके अंदर से क्या क्या निकलता है। तो देखिए, इसको डिसमेंटल करने के लिए यहाँ पीछे में जो है ना, बोल्ट दे रखा है, 13 नंबर का बोल्ट। ये सभी बोल्टों को खोलेंगे। और ये देखिए, इसका मैग जो है कौन सा कंपनी का है, ये डेनफोर्स का है। ये जो ऑर्बिटल जो है डेनफोर्स कंपनी का है। ये दो दो प्रकार का आता है, एक इटोन और एक डेनफोर्स। ये न्यू मॉडल ऑर्बिटल है। न्यू मॉडल में क्या पहचान, मैं आपको बताता हूँ। देखिए न्यू मॉडल क्या पहचान है। न्यू मॉडल में देखिए 4 लाइन होता है, 1 2 3 4। ये मेन लाइन है, ये उसका रिटर्न है। ये दोनों जो है अपना स्टीयरिंग सिलेंडर में लगता है, एक लेफ्ट एक राइट के लिए। और इसमें से कौन सा मेन है, मतलब कि कौन सा इन है, आपको वो भी बता देता हूँ, उसको आप कैसे समझेंगे। देखिए इसके अंदर में एक बल्ब लगा हुआ है। ये बल्ब जो वो वन वे काम करता है, जैसे एक साइड से ऑयल जाएगा तो दूसरे साइड से आएगा नहीं। तो ये जहाँ पे ये लगा है ना, ये मतलब आपको समझ लेना, ये इन है और दूसरा ये रिटर्न है, आउट है। और ये दोनों जो है स्टेरिंग के लिए, ठीक। और ये न्यू मॉडल है, तो इसका पहचान क्या है न्यू मॉडल का। न्यू मॉडल में क्या होता है, प्योरिटी वाल्व लगा नहीं होता है। पहले जो ओल्ड मॉडल जो आता था उसमें यहाँ पे प्योरिटी वाल्व लग करके आता था, और उसमें 5 होल होता था। देखिए इसको प्योरिटी वाल्व बोलते हैं, इस टाइप का जो है ना प्योरिटी वाल्व यहाँ पे इस जगह पे ऐसे लग के आता था, ठीक। ये ओल्ड मॉडल में था। अभी जो भी न्यू मॉडल में जो आ रहा है 2017 के बाद से जितना भी आ रहा है ना, इस टाइप का आ रहा है। इसके लिए एक अलग से हाइड्रोलिक पंप लगा हुआ है, इंजन से अटैच है। बाकी ओल्ड मॉडल में क्या था, ये स्टीयरिंग को ऑपरेट करने के लिए जो हाइड्रोलिक मेन पंप जो होता था वहीं से इसको सप्लाई जाता था। लेकिन न्यू मॉडल में क्या है, इसके लिए एक अलग से सेपरेट पंप दे रखा है। तो चलिए इसको डिसमेंटल करते और आपको दिखाते हैं इसके अंदर क्या क्या निकल रहा है, कैसे क्या क्या फिटिंग है। देखिए इसको खोलने के लिए यहाँ पे 13 नंबर का ये लगा हुआ है बोल्ट लगा हुआ है। ये 7 वोल्ट को खोल लेंगे। लेकिन इसमें से देखिए, एक बोल्ट में कुछ अलग टाइप का है, सब बोल्ट तो एक ही जैसा है, लेकिन एक बोल्ट ये अलग टाइप का है। इसके अंदर कुछ स्पेशल आइटम होता है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये मैंने इसको ढीला कर लिया था पहले से ही, और अभी इसको खोल रहा हूँ। अब देखिए इसको कैसे खोलते हैं, एक एक करके सभी बोल्ट को खोल करके बाहर कर लेंगे। देखिए इसका जो सेपरेट जो बोल्ट जो लगा था, ये सबसे लंबा बोल्ट है, बाकी जितना बोल्ट है सब छोटा है। ये काफ़ी लंबा है, ये मैं बताऊंगा ये लंबा बोल्ट किस लिए है। ये एक बल्ब का काम करता है, मैं दिखाऊंगा वो कैसे बल्ब का काम करता है। ये देखिए, ये पंप के अंदर से क्या क्या निकलता है, मैंने सभी बोल्टों को खोल दिया है। ये बोल्ट को खोलने के बाद देखिए, ये ऊपर का टॉप प्लेट है, ये ऊपर का ये प्लेट है, ये इस टाइप का होता है, ठीक। उसके बाद देखिए अंदर में ये पंप गियर है, ये भी एक तरह का पंप है, ठीक, जो कि वो ऑयल का डायरेक्शन डायरेक्शन को मूव करता है स्टेरिंग के ये से, और ये हो गया। उसके बाद देखिए ये एक है, उसके बाद ये देखिए एक शाफ्ट है जो कि पंप को घुमाने में वो काम आता है, इसका वही वर्क है, पंप को ड्राइव देना है, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ एक प्लेट लगा है। उसके बाद देखिए अंदर में ये देखिए एक है, और इसके अंदर भी एक है सापट, वो मैं दिखाऊंगा कैसे काम करता है, वो उसके बारे में मैं बताऊंगा। और देखिए और क्या निकलता है इसके अंदर से, और देखिए क्या निकलता है इसके अंदर से, इसको ऐसे ये करते हैं। ये देखिए एक बैरिंग, और ये दो प्लेट है, ये दोनों प्लेट के बीच में अपना बैरिंग मूव करता है, ठीक। और देखिए एक रिंग है, ये रिंग इसके अंदर लगा हुआ था, जब फिटिंग वगैरह करूँगा तब आपको दिखाऊंगा कैसे ये रिंग इसके अंदर लगा हुआ था, ठीक। और देखिए एक बॉल्ब, ये बॉल्ब निकला, और एक क्या क्या आइटम है, ये देखिए एक पिन है,
ये पिन निकला है, ये पिन भी इसके अंदर फिट होता है। इसका फिटिंग का वीडियो जब मैं बनाऊंगा तब बताऊंगा आपको। तो ये देख लीजिए आप, और इसके अंदर में देखिए कितने सारा होल और गैलरी है। ठीक, इसके अंदर में एक सील भी लगा है, वो सील मैं आपको दिखाता हूँ, वो निकाल कर मैं दिखाता हूँ। ये देखिए ये सील है, इस टाइप का सील लगा होता है ऐसा। ठीक,